इस देश का भारत नाम कैसे पड़ा, इस देश का इतिहास क्या है, यह देश किसका है, ये सब बातें जिन ग्रंथों में लिखी हुई उन ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों ने छोड़ दिया। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और ब्राह्मणों ने पढ़ाना छोड़ दिया, तो जब पढ़ाना छोड़ दिया तो पढ़े कौन। इन सब पुराणों की कथाएं लोग कहते हैं, सुनाते हैं, और उसका उद्देश्य मात्र इतना होता है कि श्रोतागण उनको कुछ रुपया दें तो हमारा मकान बन जाए, हमारा मठ बन जाए, हमारा आश्रम बन जाए, हम समृद्ध हो जाएं, हम पैसे वाले हो जाएं। बस इससे आगे कोई सोचने को विचारने को तैयार नहीं। आप छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं, राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, ज्ञान वापी के लिए लड़ रहे हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है, हमारा देश जिन ग्रंथों से भारत प्रमाणित होता है उन ग्रंथों को पढ़ना हम लोग भूल गए। हम जानते ही नहीं उन ग्रंथों में क्या लिखा है। उन ग्रंथों को पढ़ करके परंपरागत रूप से उनको सुरक्षित करने का जो भार था वो मुख्य रूप से ब्राह्मणों पर था, और ब्राह्मणों ने पढ़ना छोड़ दिया। वे सब ग्रंथ जिनमें इस बात का वर्णन है, इस देश का भारत नाम कैसे पड़ा, इस देश का इतिहास क्या है, यह देश किसका है, ये सब बातें जिन ग्रंथों में लिखी हुई उन ग्रंथों को पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मणों ने छोड़ दिया। लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया और ब्राह्मणों ने पढ़ाना छोड़ दिया, तो जब पढ़ाना छोड़ दिया तो पढ़े कौन। मैं आज इसी विषय पर आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। अब पढ़ने पढ़ाने के नाम पर केवल कुछ एक ग्रंथ ऐसे बचे हैं जिनकी कथा ही शेष रही है। उनमें से एक है श्रीमद् भागवत कथा। सबसे पहले नंबर पर श्रीमद् भागवत कथा आती है, उसके बाद राम कथा है, उसके बाद शिव पुराण कथा है। इसका परिणाम ये है कि जो आपका था वो दूसरों के हाथ में चला गया। पाकिस्तान आपका था, आपके हाथ से निकल गया। अफगानिस्तान आपका था, आपके हाथ से निकल गया। बांग्लादेश जो आज था वो आपके हाथ में आकर भी आपके हाथ से निकल गया, तो आपके हाथ से निकलता जा रहा है। आप छोटी छोटी बातों के लिए लड़ रहे हैं, राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, ज्ञान वापी के लिए लड़ रहे हैं। मैं बहुत पहले से ये बात कहता चला आ रहा हूँ, अगर आपके पास 100 एकड़ 1000 एकड़ भूमि है और उस 1000 एकड़ 100 एकड़ भूमि में 100 गज में एक छोटा सा निर्माण है, और उस सारी भूमि पर दूसरों का, विरोधियों का, आपके शत्रुओं का कब्जा है, अधिकार है, तो आप किसके लिए लड़ेंगे? उस 1000 एकड़ जमीन के लिए लड़ेंगे या जो उसके अंदर 100 गज में जो आपका निर्माण है उसके लिए लड़ेंगे? अब बुद्धिमानी तो यही कहती है कि भाई आपको 1000 एकड़ के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन आप उस 1000 एकड़ के लिए नहीं लड़ रहे, तो आप तो भूल ही गए वो है हमारा है। आपने उन पुस्तकों को छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, इसलिए आप केवल राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, केवल कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, केवल ज्ञान वापी के लिए लड़ रहे हैं। मैं इसे विशुद्ध मूर्खता कहता हूँ। जो चीज हमारी है अगर हमारा उस पर अधिकार नहीं है, सबसे पहली हमारी मूर्खता तो यह है, जब हमारा उस पर अधिकार हमारी है तो उसके ऊपर हमारा अधिकार होना चाहिए ना। नहीं है। आप जानते हैं महाभारत युद्ध क्यों हुआ था? इसी पृथ्वी के लिए ही तो हुआ था। महाराज पांडु थे, वही राजा थे, वो दिवंगत हो गए, तो उनकी जो संतानें थी उनको राजा होना चाहिए था, उनको राज्य मिलना चाहिए था, उनको राज्य मिला नहीं। वो दिवंगत हुए तो उनका छोटा भाई था जो धृतराष्ट्र, वो अंधा था, उसको राजा बना दिया। तो जब पांडु के लड़के बड़े हुए तो उसको चाहिए था धृतराष्ट्र को कि राज्य उनको दे देता, उनको नहीं दिया राज्य। राज्य के लिए लड़ाई हुई, पृथ्वी के लिए ही लड़ाई हुई। और किस पांडवों ने कहा कि भाई हमको केवल 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा ना, 5 गांव क्या, युद्ध के बिना तो सूच्यग्रमपि न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। सूच्यग्रम नहीं दास्यामि, सुई के नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध दे रही। धर्म की आवाज, धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य।